मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफी दिनों से चल रहा है, फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज। कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर दो टूक बयान चल रहे हैं, जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओम पुरी जी ने इसका विरोध किया, तो आपका क्या टेक है ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है, और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा, आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूंगी इस पर। I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a kalakar, sir, No, it's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है? सच्चाई ये है. We are at a state of war. And we are very proud Indians. And we have to respect our nation first. Our nation comes first. So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I ask. सबसे पहले जब भी देश की बात आती है, India first, उसमें कोई compromise नहीं. And I think उरी attack के बाद जो भी response हमारी army ने और माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी खुले दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि दैट इज अ ग्रेट 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 रिस्पॉन्स, और ऐसा ही होना चाहिए जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एट द राइट वे, एंड आई थिंक दिस वाज़ द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट, गवर्नमेंट इज टेकन रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, विच इज ग्रेट, एवरीवन हैज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म्स हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करें कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी बी देयर टू सपोर्ट एंड वी विल सपोर्ट, वी आर सिटीजंस, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इट इज एज सिंपल एज दैट। वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल की, अगर इंडिया खेलती है, यू विल सपोर्ट इंडिया, वी आर इंडियंस, सो वी विल सपोर्ट आवर कंट्री ऑल द